20 जून 2020 को बड़ौत बाजार के व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ काले झंडे दिखाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। बड़ौत बाजार के व्यापारियों का मानना है कि 3 महीने से ज्यादा व्यापार बंद पड़ा है और व्यापारी भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। व्यापारी सभी जनप्रतिनिधियों के पास अपनी समस्या लेकर जा चुके हैं, जहां से उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। व्यापारी चाहता है कि उनका व्यापार पहले की तरह चलता रहे और व्यापारी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करेंगे। कोरोना महामारी से हमें भी डर लगता है, लेकिन भुखमरी के मुकाबले कोरोना छोटी समस्या है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही व्यापार करेंगे। कोरोना महामारी से तो एक बार को बचा जा सकता है, लेकिन अगर भुखमरी की कगार पर पहुंच गया तो व्यापारी के बच्चे भी भूखे मर जाएंगे। बड़ौत का मेन बाजार का व्यापारी भुखमरी की कगार पर है। कोरोना नामक बीमारी से व्यापारी इतना डर गया है कि वह भुखमरी के कगार पर आ गया। व्यापारी अपने व्यापार को ही अगर चेक करने आए, खोलने और बंद करने पर भी व्यापारी चोर ठहराया जा रहा है। व्यापारी भुखमरी से मरे या कोरोना से, हम ऐसे में क्या करें। हम सभी जनप्रतिनिधियों के संपर्क में भी आ चुके हैं, जब भी कोई समाधान नहीं हुआ। इसी कारण बाजार बंद एवं व्यापारी को चोर ठहराने द्वारा विरोध किया। अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए व्यापारियों ने प्रशासन को काले झंडे दिखाए। और आपने प्रदर्शन क्यों किया? मेरा नाम मोदित जैन है, अध्यक्ष व्यापार मंडल बड़ौत। प्रदर्शन इसलिए किया कि हमारा जो व्यापारी समाज है वो आज के दिन भुखमरी की ओर है। लगभग 90 से प्लस दिन बाजार बंद होते हुए हो गया, जो बाज़ार के व्यापारियों के लिए असहनीय है। और एक तरीके से कोरोना से बचा जा सकता है, लेकिन भुखमरी से नहीं बचा जा सकता, क्योंकि कोरोना का तो इलाज संभव है, भुखमरी का इलाज संभव नहीं है। सभी परिवार एक से व्यापारी नहीं है, बहुत से परिवार ऐसे भी हैं जो सुबह से शाम तक जो कमाते हैं वही खाते हैं। इसलिए हमने आज अपने सभी जनप्रतिनिधियों को भी कहा, लेकिन हमें कोई रेस्पॉन्स किसी की ओर से नहीं मिला। DM साहब माननीय बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। वो पता नहीं बड़ौत से किस बात पे खफा हुई भी बैठी हैं या नाराज हुई भी बैठी हैं, ये नहीं पता चल रहा। इसलिए हमने शासन और प्रशासन का आज व्यापारियों की ओर से विरोध किया और बाज़ार खुलवाने की मांग की।